गाड़ी घुस गई यहाँ पे अंदर, देखते हैं क्या हुआ। ओ भाई, सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं रुद्रपुर। रुद्रपुर हम क्यों जा रहे हैं, अंशु की गाड़ी का टायर चेंज भी होना है क्योंकि आज यहाँ की मार्केट बंद है, और प्लस मैंने भी थोड़ा अपना गाड़ी में काम कराना, कुछ राइडिंग गियर्स भी देखेंगे वहाँ पर कैसा क्या सीन शॉट है। तो सब वहाँ के लिए निकलते हैं यहाँ से फिलहाल। अभी तो अंशु आ गए मेरे घर पर, और यहाँ से आज हम दो ही लोग जा रहे हैं, बाकी यार राइड कोई नहीं। वैसे तो आज सैटरडे है, जो थी सैटरडे राइड होती, लेकिन आज राइड जो हमारी कैंसिल, क्योंकि हमको अपनी गाड़ी का काम कराना है, तो हमको आज जाना है रुद्रपुर। तो चलते हैं रुद्रपुर, देखते हैं रास्ते हमको क्या मिलता है, क्योंकि जब भी हम कहीं ना कहीं जाते कुछ ना कुछ तो मिलता ही हमको देखने को है। तो इसलिए जो है वीडियो को लास्ट तक देखना कैसा क्या मिलता है, क्योंकि आपको पता है इस मोटे लोगों को स्क्रिप्टेड नहीं होती है, जो भी होता है ऑन द स्पॉट होता है। तो चलते हैं और कराते हैं आज गाड़ी में काम अपनी। तेल डलाऊंगा अभी मैं, हाँ, और कुछ अभी अपनी रानी हमको जो कराना है पेट्रोल फिल भी कराना है, क्योंकि इसमें पेट्रोल भी नहीं है, क्योंकि यार काफ़ी टाइम तो हम सोच रहे हैं कुछ राइडिंग गियर्स देख लें, तो देख के आता कुछ मिल जाए शायद रुद्रपुर की मार्केट में। और बाकी तो वहीं जाकर पता चलेगा कैसा क्या कराना है, काम तो बहुत सारे करने की सोच रहे हैं, लेकिन अब वहाँ जाते हैं फिर पता कर देखते हैं कैसा क्या क्या काम कराएंगे हम वहाँ जाके। अब फिलहाल अभी तो हल्द्वानी से निकलते हैं, और रुद्रपुर यहाँ से लगभग है तुम्हारा 25 किलोमीटर। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या लगता है। अभी तो फिलहाल आबादी वाले क्षेत्र चले तो गाड़ी तो अभी हल्के चलेगी, बाकी तो देखते हैं। और मैंने जो वाइजर था ना आगे का निकाल दिया, क्योंकि बारिश में ना दिक्कत हो रही थी आगे देखने में, अंधेरे अंधेरे में। तो इनका भी फिलहाल वाइजर निकाल देते हैं। ये देखो छींक, मेन तो यार राइडिंग गियर लेना बहुत जरूरी, क्योंकि राइड करना है गुरु। आजकल बारिश बारिश हो रही, बारिश से भीगने कह रहा हूँ रोडेज हो रही, भीगी हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है आदमी फिसलने का डर ज़्यादा बनना है। तो उनका राइडिंग गियर में थोड़ा बचते रहेंगे यार, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन हमारे साथ एक पोपट हो गया है, मैंने सुबह अपना जो कैमरा था चार्जिंग पे लगाया था, लेकिन साला मैं जो उसको ऑन ऑफ वाला बटन होता है वही ऑन करना भूल गया, तो उससे क्या हुआ कैमरा बहुत कम चार्ज हुआ है। तो हो सकता है आपको कहीं रास्ते मिलूँ, या हो सकता है रुद्रपुर पहुँच के मिलूँ, क्योंकि इस बार जो हमारे साथ पोपट हुआ बहुत तड़ा वाला पोपट हुआ है। फिलहाल यहाँ से तो निकल रहे हैं, और देखते हैं कैसे सीन शॉट रहता है, मिलते हैं आपको आगे। अरे यार रोड कितनी प्यारी बन गई, ये देखो बिल्कुल स्मूथ रोड हो रही है। ऐसी रोड पर तो गाड़ी चलाने में मज़ा ही कुछ आएगा। ये देखो भाई लौटा कहते गाड़ी खींचते हुए जा रहा है रॉकेट की तरह, हमारी रानी भी किसी से कम नहीं है गुरु। रॉकेट जानी है रॉकेट, एक तो साहब कहाँ चलेगी पता नहीं चलेगा। सो गाइस ये हम आ गए रुद्रपुर मार्केट में, और यहाँ हमको ढूंढना भी गुरुद्वारा, तो गुरुद्वारा के लिए किसी से पूछते हैं अंकल से। अरे अंकल ये गुरुद्वारा किधर है, गुरुद्वारा यहाँ पे जहाँ पे बाइकों का काम होता है, जहाँ पर भैया बाइकों का काम होता है, मोटरसाइकिलों का सारा काम होता है ना, मार्केट है ना इधर। अच्छा सो गाइस यहाँ पे चलते हैं और अब कराते हैं काम, क्योंकि अभी हम फर्स्ट टाइम आए तो यहाँ सबसे पूछ के जाना पड़ रहा है। ये तो वैसे तो नॉर्मली आ गए वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन अभी क्या है सबसे पूछ के जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमको इतना पता नहीं है यहाँ के मार्केट के बारे में, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया। तो देखते हैं कैसा सीन शॉट रहता है यहाँ का। सो गाइस ये आ गया गुरुद्वारा, जो हम गुरुद्वारे की बात कर रहे थे, और अब चलते हैं इसके पीछे, मार्केट बताई थी हमको गुरुद्वारे के पीछे वाली मार्केट, तो देखते हैं वहाँ पर काम के बारे में। तो टायर वायर कैसे कहाँ से लेना है देखते हैं। तो यह है पूरी बाइकों की मार्केट। ओ यहाँ से आना था। फिलहाल यहाँ पहुँच गए हैं, और फिलहाल हम राइडिंग गियर से चेक कर रहे हैं। यह है प्रो बाइकर का, जो कि बताया यहाँ पर हमें 900 रुपये का, और एक यह है ये बताया हमें 1600 रुपये का। तो देखते हैं बाकी अभी और चीज़ें चेक कर रहे हैं हम, तो देखते हैं क्या हमारा डिसाइड होता है, क्या होता है कह रहे थे। बाकी तो अब जब आए तो पूरी मार्केट देख के ही जाएंगे क्या। हाँ ये वाली सो गाइस ये है टायर अपोलो 150 नंबर, चेक करो अंशु भाई।
बाकी चेक करते हैं इसको, देखो कैसा लगेगा गाड़ी में, आओ ले जाओ उसको। तो इसमें लगेगा यहाँ पर, खड़ा करो ये बगल में, बड़ा लग रहा है यार, अलग ही दिखाई दे रहा है रोड। हाँ तो गाइस अब इसके रेट पता करते हैं कितने क्या पड़ रहा है क्या हमको। गाइस अभी रुद्रपुर से तो निकला है, क्योंकि रुद्रपुर में हमें जो रेट काफ़ी महंगे लगे हमारे हल्द्वानी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हल्द्वानी हमने जो रेट चेक करे हैं वहाँ पर कुछ रेट अलग ही मिल रहे हैं और यहाँ अलग मिल रहे हैं। तो हमने सोचा हल्द्वानी हमें सही चीज़ मिल रही तो रुद्रपुर से क्यों ले, तो इसलिए हम चल रहे हैं दोबारा वापसी हल्द्वानी, तो वहीं पर कोई से लेंगे कुछ ना जो भी लेंगे। से निकल लेते तो यहाँ हो गया एक एक्सीडेंट, गाड़ी घुस गई यहाँ पे, अंदर देखते हैं क्या हुआ। ओ भाई ये अंदर चली गई गाड़ी यहाँ से, बड़ी खतरनाक गई। गाड़ी घुस गई है अंदर, देख रहे हो हैं? पुलिस पुलिस सब आ गए यहाँ पर, बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी उसकी भाई साहब पूरी अंदर, लेकिन ये पता चला ये हुआ किससे एक्सीडेंट, मतलब कह रहा है वो गाड़ी एक नहीं दो तीन गाड़ियां गई नीचे, पता नहीं कार वाले ढोका किसने ढोका, पूरी गाड़ियों की गाड़ियां नीचे चली गई। तो गाड़ी देख रहे हो जब बाहर निकलता है इंसान तो ऐसा होता है, अगर गाड़ी कंट्रोल में नहीं चला होगा तो यही होता है। हम तभी चलते हैं, चलते हैं तो पूरे कंट्रोल में चलते हैं, पूरा हेलमेट हेलमेट पहने चलते हैं। वो तो उन भाई लोगों ने जो था हेलमेट पहन रखा था इसलिए जो थे सेफ है, ये तो भाई साहब बहुत चोट लगती है। तभी हम यहाँ से निकल लेते हैं, जिसने जो पीछे एक्सीडेंट हुआ था वो कार वाला जो है यहाँ पर आके खड़े हुआ है, पूरी भाई साहब कार को कार की कार ठोक के तो चला गया ये, तो यहाँ पर खड़ा हुआ है। फिर जी भैया जी, ओ भाई बड़ी दूर आके खड़े हुआ है ये, यही वो गाड़ी जो पीछे गाड़ी ठोक के आई है, यहाँ पर आके रुकी गाड़ी, वहां तो महंगे वो बेचारे खाई में पड़े हुए हैं वो पल्सर वाले, पैर वैर सब फट गया इसका है। तो गाइस देख रहे हो ये ऐसा होता है यहाँ पर, गाइस देख रहे हो गाड़ी कहाँ पर उसने पीछे गाड़ी ठोकी और आके यहाँ पर रुका है कार वाला, कितना खतरनाक तरीके से ड्राइविंग कर रहा होगा ये। अब लगा लो, जरूरी नहीं है हर वक्त गाड़ी गलती बाइक वालों की, कभी कभी कार वालों की गलती हो जाती है, तो कार वाला वहाँ से ठोक के यहाँ पर आके वो रुका है, कितना देख रहे हो कितना वो रफ ड्राइविंग करके आ रहा है भाई साहब। उसमें जो बच्चे बैठे ना, बच्चे ऐसे रो रहे हैं ना, बड़ा अफसोस तो हो रहा है, लेकिन ड्राइवर ने खतरनाक काम कर दिया ये। सो गाइस अभी हम बैठे हैं अंशु के घर पे और यहाँ पे हमारा नाश्ता वास्ता आ गया है, अंशु बना के लाया है ऑमलेट और मकवंद, और इधर कोल्ड ड्रिंक रखी है, इधर हमारे लक्की भाई भी आ गए हैं और अंशु इधर बैठा। भाई गर्मी इतनी हो गई थी, बिल्कुल गर्मी से जो तो हम बिल्कुल पक गए थे, तो हमने भाई फटाफट चलते रास्ते की वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि एक्सीडेंट देखकर ना फिर बिल्कुल ही मन हट गया था, तो हमने क्या करते हैं चलो फटाफट चलते घर पे। ये वाली वीडियो को जो मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर पहले आए चैनल को सब्सक्राइब मिलना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।